प्यारे बच्चों, आज हम वल्लरी के पाठ 4 सूरज का रथ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखें इस पाठ के शब्दार्थ। निराला मतलब सबसे अलग, आसमानी मतलब नीला, छेल छबीला अर्थात सुंदर नटखट। चलिए अब पाठ बोध के मौखिक, लेखक तथा मूल्य परक प्रश्नों के उत्तर देखें। हमारा पहला प्रश्न है, सूरज का रथ कैसा है? सूरज का रथ निराला है। रथ के घोड़ों की क्या खास बात है? रथ के घोड़ों की यह खास बात है कि वे आपस में जुटे हुए हैं। नदियों का पानी पीकर ये क्या क्या करते हैं? नदियों का पानी पीकर ये भाप बनाते हैं तथा ओले गिराते हैं। हमारे अगले लिखित प्रश्नों को अब हम करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 7 घोड़े किस किस रंग के हैं? उन रंगों के नाम लिखो। 7 घोड़े लाल, हरा, पीला, गहरा नीला, आसमानी, जामुनी व संतरी रंग के हैं। प्रश्न 2, रथ के घोड़ों की क्या खास बात है? यह तो हमारा मौखिक प्रश्न है, तो लिखित प्रश्न है, घोड़ों को कौन नहीं रोक पाता है? उत्तर, घोड़ों को आंधी या बरसात कोई नहीं रोक पाता है। प्रश्न 3, वे घोड़े नदियों, बादलों, पर्वतों के साथ क्या क्या करते हैं? वे घोड़े नदियों का जल पी जाते हैं, बादलों को पीछे हटने को कहते हैं तथा पर्वतों से खटपट कहते हैं। अब है हमारा मूल्य आधारित प्रश्न, सूरज और मौसम से तुम क्या सीख ले सकते हो? उत्तर है, सूरज के प्रकाश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी चारों ओर अपना यश फैलाना चाहिए तथा मौसम से हमें यह सीख मिलती है कि हम में लचीलापन होना चाहिए तथा समय के साथ बदलने का गुण होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, रंगों से उनकी विशेषताओं का मेल कीजिए। यहाँ पर 6 रंग के घोड़े लाल, हरा, पीला, आसमानी, जामुनी तथा नारंगी और उनकी विशेषताएं दी गई हैं, चमकीला, बर्फीला, चटकीला, भड़कीला, चमाचम, छैल छबीला। तो हमें रंगों को उनकी विशेषताओं के साथ मिलाना है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता में कुछ ध्वनियात्मक अर्थात विशेष ध्वनि वाले शब्द आए हैं और नीचे वही शब्द दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उन शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखना है। क, उसे बहुत प्यास लगी थी, वह पानी गटागट पी गया। ख, एड़ लगाते ही घोड़ा सरपट भागने लगा। ग, टीपू गीतू दोनों गुस्सैल हैं, उनमें अक्सर खटपट होती रहती है। बारिश की बूंदों की टप टप सुनकर मैं बाहर आई। बारिश के साथ पट पट ओले गिरने लगे। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द। एक शब्द का पर्यायवाची दिया गया है तथा आपको अन्य 2 पर्यायवाची लिखने हैं। पानी, जल,
नीर अंबू, नदी सरिता तटिनी आपगा, बादल घन मेघ जलधर, पर्वत पहाड़ नग शैल, आसमान नभ गगन आकाश। अब नीचे दिए वाक्यों के खाली स्थानों में शय चुनकर लिखिए। हमारे पास शब्द हैं लेकिन, और, इसलिए, परंतु, क्योंकि। वह चमकीला भी है और भड़कीला भी है। वह नियम से चलता है इसीलिए किसी की बात नहीं सुनता। वे बादल से पीछे हटने को कहते हैं परंतु वे हटते ही नहीं। सर्दी में ये तेज दौड़ते हैं लेकिन गर्मी में झंझट करते हैं। वे पर्वत से झगड़ा करते हैं क्योंकि वे बड़े नटखट हैं। हमारे अगले प्रश्न में हमें र को सही स्थान पर लिखना है, जैसे आशीर्वाद, फुर्तीला, बर्फीला, पर्वत, शर्मीला। अगले प्रश्न में हमारे सामने कुछ वाहन बने हैं जिनका उपयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। तो बच्चों, आपको लिखने हैं इन वाहनों के नाम, रिक्शा, हवाई जहाज, स्कूटर, जहाज, बैलगाड़ी, बस, मेट्रो रेल, ऑटो। यह कार्य आप अपनी पुस्तिका में अपने माता की मदद से करेंगे।